सो अल्टीमेटली एंटीरियर साइड से लेके पोस्टीरियर साइड तक ये सोमाइट्स जो है वन आफ्टर अनदर दे कट ऑफ एंड डिटैच फ्रॉम द एंडोडर्म. सो दिस इज मेजोडर्मल बैंड. मेजोडर्मल बैंड इज फॉर्मिंग अ ग्रूव एट द एंटीरियर साइड फर्स्ट, देन एज यू गो पोस्टीरियर साइड एज द डेवलपमेंट ग्रोज टुवर्ड द पोस्टीरियर साइड दिस गेट्स कट ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म एंड दिस इज कॉल्ड एज सोमाइट. तो सोमाइट है, इसके अंदर में सीलोम. सीलोम अभी नहीं है, कहा जाएगा इसको सील बोला जाएगा, एंटरोसील, एंटरोसील और आर्केंटेरॉन. फर्स्ट टू एंटीरियर सोमाइट्स रिटेन ए पोर्शन ऑफ एंटरोसील और आर्केंटेरॉन. तो ये जो पोर्शन आया एक्चुअली ये आर्केंटेरॉन ही था ग्रूव में, और क्लोज हुआ तो ये आर्केंटेरॉन ही है, ये व्हाइट वाला. ये पोर्शन ऑफ आर्केंटेरॉन है ना. हेलो. यस सर. यस सर. ये ग्रूव जो बना ये आर्केंटेरॉन का ही ग्रूव था ना, बट लाइन बाय मेजोडर्मल सेल्स. दिस व्हाइट वन, ये व्हाइट वन, ये आर्केंटेरॉन से डिराइव हुआ. अब देखिए इन एम्फियोक्सिस द सीलोम इज ड्यूअल इन ओरिजिन. ओके, द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सीलोम इज एंटेरोसिलिक appeared in first two anterior most somites and the rest of the coelom is cecoelic in origin, that is solid mesodermal splits into two layers with an intervening coelom. ठीक है, थोड़ा टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट है लेकिन आप इसको समझिए. coelom का ओरिजिन जो है ड्यूअल है इन एम्फियोक्सिस. सिलोम क्या है? बॉडी कैविटी. दिस इज सिलोम. ठीक है, गट तो एनक्लोज्ड हो गया, आर्केंटेरॉन बन गया गट. अब इस गट में डाइजेशन होगा इसका. सिलोम जो है, सिलोम विल बी लाइंड बाय द मेजोडर्मल सेल्स. तो ये जो एंटेरोसील जो है बेसिकली आ गया. कहा लिखा हुआ था एंटेरोसील? यह एंटेरोसील जो है यही सिलोम बनेगा. दिस स्मॉल स्पेस विच हैज कम फ्रॉम द आर्केंटेरॉन लैटरल साइड में. अब सेल्स जो है चले जाएंगे वॉल्स पर, बॉडी वॉल्स को कवर कर लेंगे और ये एंटेरोसील बड़ा होगा. तो देखिए सिलोम का ओरिजिन जो है एक तो एंटेरोसिलिक है, ये तो समझ में आ ही गया आपको. एंटेरोसिलिक का लिटरल मीनिंग है ये सिलोम और सिलोमिक कैविटी, विच इन सम इनवर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट ही है विच हैज डेवलप्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ आर्केंटेरॉन. एंटेरोसिलिक जो है, सिलोम जो है, हैज कम फ्रॉम द वॉल ऑफ आर्केंटेरॉन. ये वॉल ऑफ आर्केंटेरॉन में इन्वॉल्व था मेजोडर्मल सेल्स. तो ये जो है एंटेरोसील है ये आर्केंटेरॉन से आया है. ठीक है, बोर हो गए क्या आप लोग? नो सर. ये बात समझ गए आप लोग कि नहीं? क्लियर है, आर्केंटेरॉन से ही आया कि नहीं आया? यस. ओके.
इसीलिए इसको बोला गया एंटेरोसिलिक। और ये एंटेरोसिलिक क्योंकि कंप्लीट हो गया वहां पर, सिलोम क्लोज हो गया और वो फर्स्ट टू एंटीरियर सोमाइट्स में हुआ, तो वहां पर जो सिलोम है एंटेरोसिलिक है। एंड द रेस्ट ऑफ द सिलोम इज सीजोसिलिक, क्योंकि उसके बाद सोमाइट्स का जो डिवीजन है, डिफरेंशिएशन है, वो इस तरह से है कि पोस्टीरियरली कि सिलोम जो है वो देखिए सीजोसिलिक क्या कहता है, सीजोसिली इज ए प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ सम एनिमल, सीजोसिली इज ए प्रोसेस बाय विच सम एनिमल एम्ब्रियोज डेवलप, द सीजोसिली मैकेनिज्म अकर्स व्हेन सेकेंडरी बॉडी कैविटीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ए सॉलिड मास ऑफ मेजोडर्मल एम्ब्रायनिक टिश्यू। ओके, तो आप समझिए कि पहले एंटीरियर साइड में कंप्लीट हो गया फॉर्मेशन ऑफ दिस एंटेरोसील, लेकिन पोस्टीरियर साइड में दिस आर्केंटेरॉन, द सेपरेशन ऑफ आर्केंटेरॉन एंड एंटेरोसील हैज नॉट टेकन प्लेस, द कंप्लीट सेपरेशन टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी। आगे में हो गया, पीछे में नहीं हुआ, ठीक है, समझ रहे बात को? तो अब जबकि पीछे साइड में क्या हुआ, पोस्टीरियर साइड में क्या हुआ, इसका फिर फर्दर सेगमेंटेशन हुआ, फर्दर डिवीजन हुआ है। ओके, फर्दर डिवीजन हुआ है और फर्दर डिवीजन होके मतलब इसी सेल्स का फर्दर डिवीजन होके वो फिर बॉडी कैविटी के लाइन को अकुपाय किया है। सो अब ये जो सेल सिलोम है, इस सिलोम में एंटेरोसील भी है, ओके, और चूंकि ये सेकेंडरी डिवीजन हुआ है मायोटोम्स का, सेकेंडरी कैविटी फॉर्मेशन है, प्राइमरी कैविटी था एंटेरोसील, सो दैट इज कॉल्ड एज सीजो सिलिक, द रेस्ट ऑफ द सिलोम इज सीजोसिलिक इन ओरिजिन, दैट इज ए सॉलिड मेजोडर्म स्प्लिट्स इनटू टू लेयर्स विथ एन इंटरवेनिंग सिलोम। अब सोमाइट आ गए हैं, आ चुके हैं, क्या होगा, सून इच सोमाइट ग्रोज वेंट्रली and becomes differentiated into following parts. ये somite जो है ventrally, क्योंकि dorsally देखिए occupied है, ventrally जो है खाली जगह है, और ये differentiate करेगा और ventrally जो है grow होगा and becomes differentiated into following parts. Some portion of each somite continues to grow around notochord and become neural notochord and neural tube and becomes thickened to form myotome. Bataiye notochordial sheath or no sorry around. See this figure. Abbreviations, M for muscle, MS, myos, MS stands for myoceptum, NO for notochord, NS notochordal sheath, NT neural tube, ठीक है, so these are myotomes. Red ones, ये कैसे बने, somite से डिफ्रेंशिएट हो करके मायोटोम्स भी बना, मायोसेप्टम भी बना, एमएस। सम पोर्शंस ऑफ इच सोमाइट कंटिन्यूज टू ग्रो अराउंड नोटोकॉर्ड एंड न्यूरल ट्यूब, नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब के आसपास के सेल्स अराउंड इसके चारों बगल
जो है वो मायोटोम्स बने, बिकम्स थिकेंड एंड टू फॉर्म मायोटोम. सेकेंड, द पोर्शन ऑफ इच सोमाइट क्लोज टू इपिडर्मल एक्टोडर्मल क्लोज टू द इपिडर्मल एक्टोडर्म इज कॉल्ड सोमैटिक पेराइटल मेजोडर्म. अब इपिडर्मल एक्टोडर्म कहां पर था? इपिडर्मल एक्टोडर्म कहां पर था? यहां पर था ना, ऊपर में. एक्टोडर्म का डॉर्सोलैटरल सेल्स, ब्लू वाले सेल्स जो डॉर्सल साइड है, दोनों लैटरल साइड, दोज वेयर क्या थे? इपिडर्मल एक्टोडर्म. और इसके बगल का सेल्स जो है सोमाइट जो है यहाँ पर जो है पोर्शन ऑफ इच सोमाइट क्लोज टू इपिडर्मल एक्टोडर्म नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब के पास वाले मायोटोम्स बने, और ऊपर वाला जो था कहाँ पर? इपिडर्मल एक्टोडर्म के पास वाला, दैट हैज बिकम क्या? सोमैटिक पेराइटल मेजोडर्म. नाउ थर्ड वन, द पोर्शन ऑफ इच सोमाइट क्लोज टू एंडोडर्म इज कॉल्ड द विसरल और स्प्लैंचिक मेजोडर्म. एंडोडर्म के पास वाला दिस वन ये एंडोडर्म है. एंडोडर्म के पास वाला दीज सेल्स आर विसरल. विसरल क्या नाम है? विसरल और स्प्लैंकनिक. स्प्लैंकनिक मेजोडर्म. अब देखिए ये तीनों देखिए कहां पर है. इस पिक्चर को नीचे लाता हूं. दिख रहा है? Yes, sir. One by one, देखिए. Some portion of each somite continues to grow around notochord and neural tube. Notochord और neural tube के around जो grow किया, notochord और neural tube के around जो है, यानी यहाँ वाला लास्ट वाला फिगर को आप ध्यान से देखिए. इसमें इसको इधर मिटा दो, सिर्फ इसी को देखो. अभी दिख रहा है क्लियर? दिख रहा है आपको? Yes, sir. Some portion of each somite continues to grow around notochord and neural tube. ऊपर में neural tube है, ये notochord है. इसके अगल बगल वाले जो cells हैं, वो बने myotome. The portion of each somite close to epidermal ectoderm. इपिडर्मल एक्टोडर्मल इपिडर्मल एक्टोडर्म ज्वाइन हो गया था ऊपर में, तो यहां वाले जो सेल्स हैं इसके नीचे इपिडर्मल एक्टोडर्मल लैटरल था, लैटरल वो लिप ज्वाइन हुआ. सो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सोमैटिक पेराइटल मेजोडर्म क्लोज टू इपिडर्मल एक्टोडर्म. थर्ड वन, पोर्शन ऑफ इच सोमाइट क्लोज टू एंडोडर्म. Now this is endoderm. These cells are called as visceral or splanchnic mesoderm. Fourth, the space found in between somatic and visceral layer of mesoderm. देखिए somatic कौन था? दूसरा वाला. और visceral कौन है? तीसरा वाला. तो somatic है आपका epidermal एक्टोडर्म के बीच में, यानी ये सेल एंड
आपका विसरल और स्प्लैंकनिक मीजोडर्म, ये हो गए। इस दोनों के बीच का स्पेस जो है इज कॉल्ड एज एंट्रोसिलिक सिलोम बिकॉज इट इज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम आर्केंटेरा। ओके, बाद में ये इसमें फर्दर मायोसेप्टम बनेंगे, ठीक है, मायोटोम्स का डिवीजन होगा और सिलोम जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आप समझ गए, फॉर्मेशन ऑफ सिलोम हो गया। कोई सवाल है कुछ क्या किसी को? आगे बढ़े? नो सर। नो सर। नो सर। अब देखिए, अब सिंपल है, अभी तक बहुत झन थोड़ा सा था। द टाइम ऑफ डेवलपमेंट वेरीज अकॉर्डिंग टू स्पीसीज एंड एनवायरमेंट। अप टू द सिलोम पढ़ना था हम लोग को, पढ़ लिए, और वो भी डिटेल में पढ़ लिए, इतना डिटेल में पढ़ लिए, 20 मार्क्स का भी पूछेगा अगर ये डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सिस, तो आप बहुत बढ़िया से लिख सकते हो। जितना पढ़ा है उसका आधा भी लिख दोगे या बहुत कम भी, उतना पॉइंट भी तो सफिशियंट है। एम्फियोक्सिस कैन हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ 4 to 6 ईयर्स बट डिफर्स अमॉन्ग डिफरेंट स्पीसीज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो नीड्स डजन्स ऑफ आवर्स टू डेवलप ए सिलिएटेड न्यूरोला बिफोर हैचिंग। सो ये फिगर आप देखे ही हो, देख लेना। देन देयर इज ए फ्री स्विम स्टेज विच इज द लार्वल स्टेज where larvae begins their life as plankton. Plankton किसको कहते हैं? You know plankton? Yes sir. किसको कहते हैं plankton? Plant है कि animal है? It's a plant. Small plants. Small plants है. Okay. तो आप नहीं जानते हो फिर. Planktons can be animal or plant, both in origin. Sir, plankton marine animals है. Yes. ठीक है? Marine aquatic कह लीजिए, fresh water में भी हो सकता है, ठीक है? तो plankton जो है basically एक group of organisms है जिनको हम plankton बोलते हैं. Plankton animals भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है, फाइटोप्लैंकटन एंड जू प्लैंकटन, सुने हो गए? प्लैंकटन, यस। देखिए प्लैंकटन दोनों तरह के हो सकते, तो क्यों इस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहा गया? देखिए इसका लिटरल डेफिनेशन इज यस द स्मॉल, क्योंकि ये डेफिनेशन इसका है, इतना स्मॉल है कि माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी इसको देखने के लिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, तो भी माइक्रोस्कोप छोटा होगा मल्टीसेलुलर, तो भी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए। प्लैंकटन द स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ड्रिफ्टिंग और फ्लोटिंग इन द सी और फ्रेश वाटर, मीठा पानी या खारा पानी दोनों में भी ड्रिफ्ट कर रहा है या फ्लोट कर रहा है। कंसिस्टिंग चीफली ऑफ डायटम्स, ठीक है, अलगी हो गया, प्रोटोजोअन्स, यूनिसेलुलर है ये, और ए कलेक्शन ऑफ प्रोटोजोअन, कॉलोनी ऑफ प्रोटोजोअन, कलेक्शन ऑफ, तो वो भी कहा जाएगा प्लैंकटन, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं। स्मॉल क्रस्टेशियंस मल्टीसेलुलर हो गया, एंड द एग्स एंड लार्वल स्टेज, एक तो यूनिसेलुलर है, लार्वल स्टेज मल्टीसेलुलर हो गया ऑफ लार्जर एनिमल्स, ऑल दीज आर प्लैंकटन्स। तो लार्वल स्टेज क्या हो गया? जू प्लैंकटन। डायटम क्या है? फाइटो प्लैंकटन। ओके, क्रस्टेशियन, स्मॉल क्रस्टेशियन, जू प्लैंकटन। मेनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू फीड ऑन प्लैंकटन्स स्पेशली बाय फिल्टरिंग द वाटर। ये हो गया, देखो कितना बेसिक चीज आप लोगों को नहीं आ रहा था, इसलिए हम पूछ लेते हैं आप लोग से बीच बीच में। हैचिंग किसको बोलते हैं?
व्हाट इज हैचिंग सर ब्रेकिंग हैचिंग बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ एग ब्रेकिंग एग तो ये यहाँ पर न्यूरुला जो है हैच कर रहा है इन द लार्वा तो यहाँ पर क्या हो रहा है क्या हैच हो रहा है क्या हैच हो रहा है एक तो हैचिंग वो हुआ कि आप मुर्गी के अंडे से चूजा को बाहर निकलते देखोगे तो वो दैट इज हैचिंग उसके संदर्भ में करो एग हैच की तो यहाँ पर हैचिंग से क्या मतलब है एम्फियोक्सिस से सर उसका प्रोटेक्टिव लेयर अगर ब्रेक करेगा तो उसी को हैचिंग बोलेंगे हाँ सही बोले आप कौन सा प्रोटेक्टिंग लेयर है यहाँ पर है प्रोटेक्टिव लेयर बताइए कौन सा है सर नाम तो एग्जैक्ट नहीं गलत नहीं पता फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है यस सर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन यस सर वो ब्रेक हुआ तो क्या हुआ निकल के बाहर आया लार्वी ओके सो इसीलिए बोला गया हैचिंग समझ में आया यस सर ओके एंड बिगिन अब ये खाना शुरू किया लार्वी अभी तक इसका न्यूट्रिशन चल रहा था किससे वही योक मटेरियल जो था जो एग में स्टोर्ड हुआ था योक मटेरियल वही एक योक मटेरियल जो सेल डिवाइड करते गया तो सब में बढ़ते गया बंटवारा होते गया जैसे खानदान में बढ़ता है संपत्ति एक का बेटा दो दो से चार फिर उसी तरह बढ़ते गया सब में अब बढ़ते बढ़ते इतना कम हो गया यूटिलाइज कर लिया ये सब न्यूट्रिशन कुछ ही घंटा तक में ये स्टेज आ गया अब जो है वो क्या करेगा हैच करेगा and they will start feeding on begin their life as plankton वो खुद plankton है भी उसको भी कोई खा जाएगा filter feeding इस तरह amphioxus filter feeding है at the इसके पहले urochordates पढ़ाए थे pyrosoma hardmania वो भी filter feeding था at the end of this stage ठीक है यानी फ्री स्विमिंग स्टेज यानी लार्वल स्टेज द लार्वा अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस एंड लूज द इपिडर्मल सीलिया ओके इपिडर्मल सीलिया लूज किया गेन ए सेकेंड रो ऑफ गिल स्लिट्स यानी आप समझ जाइए यहां से अभी तक गिल स्लिट जो था आप पढ़ाए थे आपको प्राइमरी गिल बार सेकेंडरी गिल बार अब यहां पर गेन ए सेकेंड रो ऑफ गिल स्लिट से मतलब है प्राइमरी गिल स्लिट जो था दो प्राइमरी गिल बार के बीच में अब वहां पर डोर्सल वाल के वेंट्रल साइड से डाउनवर्ड्स इन्वेजिनेशन हुआ सेल ग्रोथ सेल डिवीजन हुआ और वो ज्वाइन किया नीचे किसको गिल स्लिट को तो अब हो गया सेकेंडरी गिल बार का फॉर्मेशन यही कह रहा है गेन ए सेकेंड रो ऑफ गिल स्लिट्स कहां पर हुआ एट द एंड ऑफ लार्वल स्टेज ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस एंड ट्रांसफॉर्म इनटू जुबेनाइल्स बच्चे यंग वंस व्हाई दे आर जुबेनाइल्स व्हाई दे आर कॉल्ड जुबेनाइल्स दीज आर juveniles okay what is the difference between juveniles and adults when you call this animal is in its juvenile form what does that mean so juvenile means still developing and adult means the development process has been completed juvenile mein nahi sir juvenile matlab development ongoing hai uska abhi wo develop hi kar raha hai grow hi kar raha hai और अडल्ट में डेवलपमेंट प्रोसेस ग्रोथ थम जाता है तब उसको अडल्ट बोलते हैं ओके ठीक है मोटा मोटी सही हो बट एक बेसिक जो अंतर है एडल्ट एंड जुवेनाइल में जुवेनाइल्स आर द डेवलपमेंटल स्टेज
डेवलपमेंटल जब उसमें जुवेनाइल्स आर नॉट सेक्सुअली मैच्योर्ड ओके बट एडल्ट्स आर सेक्सुअली मैच्योर्ड यस सर ठीक तो अब ये जुवेनाइल फॉर्म में है अब इसका सेक्सुअली मैच्योर्ड फॉर्म आएगा ठीक है एक साल के बाद ओके देन अब लेकिन जुवेनाइल भी जब फॉर्म आ गया तो वो खाना खाएगा ही अपना घोंसला बनाएगा ही बरो करेगा ही विच बरो इनटू द सबस्ट्रेट एंड स्लोली डेवलप इनटू एडल्ट्स तो ये स्लोली डेवलप करेगा एडल्ट के रूप में और इसके गैमिट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो जब गैमिट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तब एडल्ट हो गया ठीक है क्लियर है यहां तक लाइफ साइकिल कंप्लीट एम्फियोक्सिस का अब सिग्निफिकेंस देखिए इसका डेवलपमेंट पढ़ने का क्या वजह है क्या इससे फायदा है क्या इसका रिलीवेंस है द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ओके द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी एनिमल provides an insight into the evolutionary history of chordates, this animal. The study of Amphioxus embryology provides an insight into the evolutionary history of chordates. तो इसी तरह से chordate का भी development plan है okay? तो इसके embryology को अगर देख लिया जाए तो evolutionary history chordates का पता चल जाएगा चलता है ठीक है तो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस देखो आप ह्यूमन का भी देन यू विल फाइंड मेनी स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉमन व्हिच आर प्रेजेंट इन एम्फियोक्सिस आल्सो सॉरी नोटोकॉर्ड आता ही है गिल स्लिट अपीयर होता ही है ह्यूमन एम्ब्रियो में भी भले ही बाद में डिसअपीयर हो गया एम्ब्रियोनिक स्टेज में सॉरी एपोप्टोसिस हो करके सॉरी द पोजीशन एंड द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोपोर इन डेवलपिंग एम्ब्रियोस डिवाइड बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल इनटू टू ग्रुप्स ब्रैंकियोस्टोमेटा फॉल्स इन द लेटर टुगेदर विथ अदर कॉर्डेट्स एंड इचिनोडर्मेट्स उतना जरूरी नहीं है द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिलोम इन ब्रैंकियोस्टोमेटा ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द इकिनोडर्मेट्स हैबिटेट जो है इसका कहां पर रह रहा है एम्फियोक्सिस लिव्स बरीड इन सैंड सी फ्लोर ऑफ द सैलो एंड कोस्टल वाटर कोस्टल वार्म वाटर लिख दोगे वार्म waters and estuaries all over the world so here your amphioxus is complete theek hai yes sir chalo kuch puchna hai kuch doubt theek hai is topic ko bahut acche se hum log bahut acha se to nahi lekin mota moti padh hi liye ठीक है चलिए फिर मैं अपडेट करूंगा नेक्स्ट क्लास के बारे में ओके सर ओके सर थैंक यू सर थैंक यू अटेंडेंस लेंगे रुको रुको